नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके स्टोर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान में आने वाली वैकेंसीज़ की आप जानकारी आगे वीडियो में आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो वैकेंसीज़ हैं आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड में जो वैकेंसीज़ आने वाली है उसी से संबंधित न्यूज़ वीडियो में आगे आप देख सकते हैं। तो ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, आयोग और बोर्ड को अलग अलग भर्ती की अनुशंसा। आयोग से यहाँ मतलब है आरपीएससी से, और बोर्ड से मतलब है आरएसएम एसएसबी। तो इन दोनों को अलग अलग भर्ती की अनुशंसा से संबंधित ये न्यूज़ है। न्यूज़ में आगे आप देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रधानाध्यापकों के 1200 पदों, व्याख्याता के 5000 पद तथा द्वितीय श्रेणी के पदों की भर्ती का प्रस्ताव राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर पर इसकी तैयारी कर ली गई है। और न्यूज़ में आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये न्यूज़ कल की ही न्यूज़ है, पुरानी न्यूज़ नहीं है। अगर आप ये न्यूज़ देखना चाहते हैं तो बिल्कुल बीकानेर पत्रिका आप देख सकते हैं, कल की ही न्यूज़ है। और न्यूज़ में आप देख सकते हैं आरपीएससी में जो वैकेंसीज आने वाली हैं, प्रधानाध्यापकों के 1200 पदों पर, व्याख्याता के 5000 पद और द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के पदों की भर्ती का प्रस्ताव राजस्थान सेवा आयोग को भेजा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर पर इसकी तैयारी कर ली गई है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है न्यूज़ में कि इसकी इन वैकेंसीज की तैयारी कर ली गई है। इसी तरह पीटीआई तृतीय श्रेणी के 4500 पद, प्रयोगशाला सहायक के 1200 पदों पर तथा पुस्तकालय अध्यक्षों के 700 पदों पर भर्ती की प्रस्तावना, ये भर्ती की प्रस्तावना अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजने की तैयारी की गई है। तो ये न्यूज़ भी आप देख सकते हैं, जिसमें आरएसएम एसएसबी में जो वैकेंसीज आने वाली है उनमें पीटीआई तृतीय श्रेणी के 4500, प्रयोगशाला सहायक के 1200 तथा पुस्तकालय अध्यक्षों के 700 पदों पर भर्ती की अभ्यर्थना अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड को भेजने की तैयारी की गई है। और आरएसएम एसएसबी में जो वैकेंसीज है वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरी, पुस्तकालय अध्यक्ष के 700 पदों पर भी ये वैकेंसी आने वाली है। और दोनों की वैकेंसीज आप देख सकते हैं। और कई विद्यार्थियों का ये सवाल है कि एलडीसी वैकेंसी का क्या हुआ, वो कब तक आने वाली है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि एलडीसी वैकेंसी 10290 पदों पर जो एलडीसी वैकेंसी आने वाली है वो कंफर्म वैकेंसी आएगी, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा इंतज़ार आपको और करना होगा। बाकी वैकेंसी कंफर्म एलडीसी की वैकेंसी 100% आएगी, थोड़ा आप इंतज़ार कीजिए। और बाकी के अपडेट्स आप न्यूज़ में देख सकते हैं। और आगे के अपडेट्स के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल के अगर न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारी ये न्यूज़, हमारी ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।